हेलो दोस्तों, मुकाबला यहाँ पर और श्रीलंका यहाँ पर भारत के बीच में यहाँ पर मुकाबला होने जा रहा है। दोस्तों भारत टीम को 41 बॉल पर 102 रन के रन की दरकार है। सुमन गिल एंड रोहित शर्मा मौजूद है। इस बार 25 रन ओवर लेकर आया दोस्तों, 100 बॉल डाली, 6 रन की मांग, रोहित शर्मा फुल 100 और ये पहली विकेट, ये दूसरी विकेट है दोस्तों। यहाँ पर 25 रन ने चटका लिया दोस्तों, क्या बॉल डाली, क्या बॉल डाली, क्या एक्शन है दोस्तों। ये मलिंगा का एक्शन से यहाँ पर रोहित शर्मा को फंसा लिया गया, छोटी बॉल डाली वहां पर शर्मा दोस्तों ने। जी हाँ दोस्तों शर्मा यहाँ पर बेहतरीन बड़ी विकेट सफल हो चुकी है। यहाँ पर शर्मा 46/47, अरे 50 तो पूरा हो जाने तो बेचारे का, 50 होता ही नहीं है, हर बार आउट हो जाते हैं बेचारे। ये कैप्टन विराट कोहली क्रीज पर मौजूद है, क्या आज मुकाबले को अपने नाम कर पाएगी भारतीय टीम। विराट कोहली, शुभमन गिल दोस्तों खुशा रहे यहाँ पर बेहतरीन बॉलिंग करते हुए, एक विकेट चटका चुके हैं। एक और अगली बॉल, इस बार सुमन गिल, इस बार बॉल बहुत ही बेहतरीन शॉट मारा है, शॉट बॉल लेग में उठाया और इस बार सुमन गिल सफल होते हुए दोस्तों, क्या शॉट मारा है, छोटी बॉल लेग में उठाकर खेला, ऊंचा शॉट मारा, बेहतरीन छक्का दोस्तों, क्या बल्लेबाजी है ये। एक पहली बॉल पर विकेट, दूसरी पे छक्का, ये भारतीय टीम भी कर सकती है दोस्तों। 39 बॉल 96 रन की दरकार है। सुमन गिल विराट कोहली दोनों क्रीज पर मौजूद, आज इस मुकाबले को किसके नाम कर पाएंगे दोस्तों। इस बार रन के लिए बिल्कुल भागना चाहिए था दोस्तों, वहां पर बाल बाल बचे, विराट कोहली को आउट करा सकते थे यहां पर सुमन गिल, लेकिन मना किया वहां पर विराट कोहली ने। अगली बॉल दोस्तों, एक और बॉल, इस बार बिठाया है लेकिन इस बार बल्ले बचा ही नहीं और ये कैच ड्रॉप। जी हां दोस्तों, कैच ड्रॉप हो चुका है यहां पर, दो रन की मांग है, दो रन के लिए भागे हैं और ये दो रन कंप्लीट किया यहां पर सुमन गिल ने। ये बहुत बड़ी विकेट कैच ड्रॉप हुआ दोस्तों, सुमन गिल का कैच ड्रॉप, 6 रन, एक और शॉट बॉल डाली, इस पर ये इस बार गति डाली और इस बार बिल्कुल नहीं समझ पाए सुमन गिल। जी हां दोस्तों, बहुत दूर रह गई थी लेकिन ये कैच गजब छोड़ा यहाँ पर, बहुत बड़ी सफलता यहाँ पर बचते हुए भारतीय टीम के सुमन गिल दोस्तों। ये चांस मिला है, अब इस चांस का क्या फायदा उठा पाएंगे यहाँ पर सुमन गिल। इस बार यॉर्कर की तलाश, सामने खेला है, पीछे फील्डर और ये हवा में और ये विकेट दोस्तों, पहली बॉल पर बचे, दूसरी पर छक्का मारने कोशिश और विकेट दे बैठे यहाँ पर भारतीय टीम के युवक बल्लेबाज सुमन गिल दोस्तों। ये बहुत बड़ी सफलता यहाँ पर, ये बहुत बड़ी विकेट सुमन गिल के नाम पर, क्या शॉट मारा था ये, शॉट फुल टॉस दोस्तों, फील्डर मौजूद, मिड कवर के ऊपर खेलना चाहते थे इस बार दोस्तों, लेकिन फील्डर ने कोई गलती नहीं की। सुमन गिल 29 पर 32 रन बनाकर आउट दोस्तों, बहुत बड़ी सफलता यहाँ पर मिलती हुई। श्रेयस अय्यर एंट्री करते हुए यहाँ पर, क्या विराट कोहली का साथ दे पाएंगे दोस्तों। यहाँ पर फसाना टेक्सना, महेश टेक्सना ओवर लेकर आए स्पिनर बॉलर दोस्तों, 36 बॉल 94 रन की दरकार है जीत के लिए भारतीय टीम को। इस बार छोटी बॉल, विराट कोहली ने यहाँ पर शॉट घुमाया लेकिन बल्ले पाए नहीं। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली यहाँ पर जानते हैं बल्लेबाजी करना, वो बिल्कुल भी तेज नहीं खेलेंगे, बिना वो भारतीय टीम को जिता कर लेकर जाएंगे। 35 बॉल 94 रन की दरकार है दोस्तों, क्या लगता है कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत पाई, कमेंट में जो बताए। इस बार लेग में शॉट, टाइमिंग अच्छी, जी हाँ दोस्तों, एक रन की मांग है, रन कम्प्लीट किया यहाँ पर, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी दोस्तों यहाँ पर। कमेंट में जरूर बताइए कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी दोस्तों। विराट कोहली यहाँ पर बेहतरीन फॉर्म में दिखते हुए, 34 बॉल 93 रन की दरकार है। श्रेयस अय्यर इस बार स्ट्राइक पर, पहली बॉल लेग में खेला है, बहुत तेज शॉट है, एक रन की मांग है, रन के लिए भागे और रन कम्प्लीट किया यहाँ पर आसान से दोस्तों। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें दोस्तों, विराट कोहली के लिए लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। महेश टेक्सना ये अच्छी डॉट निकाली वहां पर, अगली बॉल विराट कोहली तैयार है दोस्तों, एक और बिल्कुल सामने कवर ड्राइव बेहतरीन है, एक रन की मांग है, विराट कोहली भागे, रन कंप्लीट किया आसानी से दोस्तों। भारतीय टीम क्या अपने नाम कर पाएगी आज ये मुकाबला दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अगली बॉल श्रेयस अय्यर यहाँ पर, इस बार बड़े शॉट उठाया है श्रेयस अय्यर ने दोस्तों, बड़े शॉट की प्रयास किए और ये बहुत ही बड़ा बाउंड्री के बाद छक्का जड़ दिया, तेज और रफ्तार वाली बल्लेबाजी दोस्तों।
ये क्या शॉट मारा है, क्या शॉट मारा है, पीछे बल्ले पे उठा कर खेला दोस्तों, बेहतरीन टाइमिंग यहाँ पर 6 रन के लिए। फिर ऐसे यार के बल्ले साथी हुई, अगर ऐसी बल्लेबाजी यहाँ पर भारतीय टीम करती रही तो भारतीय टीम जरूर जीत सकते दोस्तों मुकाबले को, बिल्कुल भी फंसे नहीं वहां पर। जी हाँ दोस्तों, श्रेयस अय्यर क्या शॉट मारा, छक्का जड़ दिया यहाँ पर ठेक स्नैप है, बहुत ही बेहतरीन ओवर डाल रहे थे। इस बार अगली बॉल बीट किया, 1 रन की मांग है दोस्तों, लेकिन 4 रन, ये 2 बॉल पर 10 रन जड़ दिए दोस्तों, लास्ट की 2 बॉल दोनों पर 10। वाओ क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की श्रेयस अय्यर ने दोस्तों, 3 बॉल पर 11 रन बनाकर खेल रहे, 30 बॉल पर 21 रन की दरकार दोस्तों। इस बार यॉर्कर की मांग की है, 1 रन की मांग है, विराट कोहली को फुल टॉस डाली दोस्तों, एक सना यहाँ पर बेहतरीन बॉल कर दो दोस्तों, इनके बॉल को ग्राउंड के बाहर भेजना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इनके पास गति है, रफ्तार है इनके पास। क्या श्रेयस अय्यर यहाँ पर ठेक सना पर अटैकिंग बल्लेबाजी कर पाएंगे दोस्तों। इस बार अगली बॉल सामने खेला, श्रेयस अय्यर ने फुल टॉस डाली है, ये सामने छक्का मार दिया दोस्तों, क्या बल्लेबाजी, क्या बल्लेबाजी, दबाव में थे थोड़े से श्रेयस अय्यर, लेकिन दबाव हटाना जानते हैं यहाँ पर श्रेयस अय्यर, क्या शॉट मारा है, यॉर्कर की मांग बिल्कुल सामने दोस्तों, बेहतरीन टाइमिंग यहाँ पर 6 रन के लिए, बहुत ही तेज और रफ्तार वाली ऊंची बल्लेबाजी दोस्तों। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें। 28 बॉल 73 रन की दरकार दोस्तों, 74 की, क्या मुकाबले को बात टीम अपने नाम कर पाई। किस बार यॉर्कर मांगी है दोस्तों, 1 रन की मांगे बल्ले बच्चिया, 1 रन कंप्लीट करते हुए यहाँ पर भारतीय टीम के युवक बल्लेबाज दोस्तों। आज मुकाबले में भारतीय टीम जरूर बनी हुई है, आज ये टीम बेहतरीन फॉर्म में दोस्तों, विराट कोहली 3 बॉल 4 बॉल 3 रन बनाकर खेल रहे हैं, किंग कोहली दोस्तों ठेक सना। इस बार अगली बॉल यॉर्कर डाली, विराट कोहली ने सामने मारने की कोशिश है, ये तेज शॉट जरूर था लेकिन इतनी गति नहीं कि चौका मिल जाए यहाँ पर विराट कोहली को दोस्तों, ये बेहतरीन एक सिंगल देते हुए यहाँ पर विराट कोहली शॉट मारने की कोशिश, लेकिन अभी न्यू आए क्रीज पर तो उनके लिए मुश्किल होगा दोस्तों। श्रेयस अय्यर भी बेहतरीन, एक तरह से श्रेयस अय्यर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं तो विराट कोहली को भी जरूरत नहीं दोस्तों। इस बार अगली बॉल श्रेयस अय्यर ने लेग बैठाया, इस बार फील्डर के ऊपर से छक्का, क्या शॉट श्रेयस अय्यर ने सामने दोस्तों, क्या शॉट मारा है, बीच बल्ले पाई, बेहतरीन बल्लेबाजी दोस्तों। आज ये दबाव में नहीं भारतीय टीम यहाँ पर, बेहतरीन बल्लेबाजी दोस्तों, टाइमिंग के साथ छक्का फील्डर के ऊपर से श्रेयस अय्यर, अगली बॉल तैयार है, यॉर्कर की तैयार, 1 रन की, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज चलती हुई दोस्तों यहाँ पर, विराट कोहली श्रेयस अय्यर क्या बेहतरीन फॉर्म में यहाँ पर, ये बढ़िया बल्लेबाज यहाँ पर दोस्तों विराट कोहली श्रेयस अय्यर करते हुए यहाँ पर ठेक से ना ओवर जो डाल रहे हैं। अगली बॉल दोस्तों इस बार लेग में खेलने कोशिश विराट कोहली यहाँ पर नाकामयाब दोस्तों, क्योंकि बड़े शॉट की मांग कर रहे हैं, बल्ले पर नहीं रही है यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, थोड़े से खतरे में जरूर पड़ चुके हैं यहाँ पर विराट कोहली, क्या मुकाबले में जीता पाएंगे दोस्तों। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। इस बार लेग में शॉट है, टाइमिंग अच्छी है, 1 रन की मांग है, रन कंप्लीट किया। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका बनाम यहाँ पर इंडिया के बीच में मुकाबला हो रहा है यहाँ पर। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जो करें यहाँ पर श्रेयस अय्यर के लिए दोस्तों। इस बार लेग में टाइमिंग अच्छी है, एक पीच बल्ले पे नहीं आई, आराम से धीरे से खेल रहे शॉट, 1 रन की मांग, 1 रन कंप्लीट किया दोस्तों, रन ज्यादा है भारतीय टीम को, यहाँ पर तगड़ी बल्लेबाजी करके दिखानी होगी दोस्तों किसी एक युवक बल्लेबाज को, क्या कर पाएंगे यहाँ पर ऐसी बल्लेबाजी।
19 बॉल 60 रन की दरकार है। विराट कोहली श्रेयस अय्यर इस बार लेग में इस बार उठाने की कोशिश है दोस्तों, लेकिन बल्ले पर उतनी अच्छी आई नहीं है। एक रन की मांग है, रन कंप्लीट किया वहां पर आसानी से। जी हाँ दोस्तों, बल्ले पे ही नहीं, बड़े शॉट की मांग थी, लेकिन बहुत लेट घुमाया वहां पर श्रेयस अय्यर ने दोस्तों। धनंजय द सिल्वा, जी हाँ दोस्तों, धनंजय यहाँ पर ओवर लेकर जरूर आए। क्या मुकाबले में भारतीय टीम को यहाँ पर जिता पाएंगे ये युवक बॉलर दोस्तों, क्या जीता पाएंगे विराट कोहली। ओ बिल्कुल सामने मानना चाहते थे, लेकिन इतने हाथ में सीधा हाथ में गई बॉल दोस्तों, कैसे स्विंग कराते हैं बॉलर। सामने खेला है विराट कोहली, यहाँ पर 11 बॉल पर 6 रन बनाकर आज थोड़े से धीमे खेल रहे किंग कोहली। इस बार अगली बॉल विराट कोहली स्टैम्प आउट करके खेला है दोस्तों, बहुत ऊंचा शॉट गया है ये बहुत ही लंबा और ऊंचा छक्का मारा है विराट कोहली ने। शुरुआत कर दी दोस्तों, क्या टाइम पे मारा है, पर जरूरत थी दोस्तों भारतीय टीम को, बिल्कुल बाहर तरफ निकले और लेग मुटा कर खेला शॉट दोस्तों 6 रन के लिए। तेज और रफ्तार वाली बल्लेबाजी आज बिल्कुल भी दबाव में नहीं भारतीय टीम यहां पर दोस्तों। क्या मारा है दोस्तों विराट कोहली पर, 12 बॉल 12 रन की दरकार है। अगली बॉल दोस्तों एक और विराट कोहली स्टैंप आउट किए दोस्तों, एक रन की मांग है, रन कंप्लीट किए यहां पर बेहतरीन बल्लेबाजी विराट कोहली द्वारा दोस्तों। पहली पर छक्का, दूसरी पर सिंगल, ये बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं विराट कोहली दोस्तों। 13 बॉल पर 13 रन बनाकर खेल रहे हैं, 15 बॉल पर 52 रन की दरकार है भारतीय टीम को जीतने के लिए। पार लेग में बॉल, लेग में टाइमिंग अच्छी दोस्तों, एक रन की मांग है, रन कंप्लीट किया यहां पर। धीरे धीरे कदमों से भारतीय टीम मैच से दूर जा रही है दोस्तों, क्योंकि बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पर। छक्का मारना होगा अगर मुकाबले में वापिस आना है तो। 14 बॉल 51 रन की दरकार दोस्तों, विराट कोहली इस बार स्ट्राइक पर। अगली बॉल दोस्तों इस बार विराट कोहली स्टैंप आउट के सामने शॉट खेला दोस्तों, ये बेहतरीन शॉट है, फुल टॉस बनाई बॉल को और एक और छक्का जड़ दिया पर विराट कोहली ने दोस्तों। आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें दोस्तों, इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी, वाओ सामने उठाकर खेला, लेकिन ये बहुत ज्यादा ऊंची चली गई दोस्तों, इतनी तय करने पर पाइप दूरी वहां पर, लेकिन शॉट लाजवाब मारा यहाँ पर विराट कोहली दोस्तों। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें यहाँ पर, सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। 13 बॉल 45 रन की दरकार है। अगली बॉल विराट कोहली तैयार है दोस्तों, इस बार अंदर की तरफ रखी, इस बार टाइमिंग अच्छी दोस्तों, एक रन की मांग है, स्ट्राइक अपने पास रखेंगे यहाँ पर किंग कोहली दोस्तों। क्या बल्लेबाजी यहाँ पर, क्या 44 रन दोबारा बॉल पर बना पाएगी भारतीय टीम दोस्तों। कमेंट में जरूर बताइए, ठेक सना ओवर लेकर जरूर आए यहाँ पर विराट कोहली दोस्तों। इस बार अगली बॉल किंग कोहली बिल्कुल सामने उठाकर खेला है, गति है इस बॉल में, टाइमिंग अच्छी है और ये बेहतरीन छक्का जड़ दिया पर विराट कोहली ने दोस्तों। भारतीय टीम के लिए यही लड़ते हैं हमेशा, और क्या शॉट मारा है बिल्कुल सामने, डाउन द ग्राउंड ऊंचा शॉट, बेहतरीन बल्लेबाजी दोस्तों, ये लाजवाब बल्लेबाजी। इस बार कवर के ऊपर से खेला गया शॉट 6 रन के लिए, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं पर विराट कोहली दोस्तों। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। 11 बॉल 38 रन की दरकार है। 16 बॉल 26 पर खेल रहे हैं पर विराट कोहली, कोर बिल्कुल सामने मारा है दोस्तों, और हवा में नीचे फील्डर है, लेकिन ये बहुत दूर है दोस्तों, ये भी छक्का है, क्या बल्लेबाजी दोस्तों विराट कोहली करते हो यहाँ पर, बेहतरीन टाइमिंग और ऊंचा छक्का जड़ा यहाँ पर। इस बार 2 बॉल पर 2 छक्के, ये बेहतरीन टाइमिंग है दोस्तों, इस बार भी सामने खेला है शॉट, ये क्या बेहतरीन फॉर्म में भारतीय टीम दोस्तों। ये भारतीय टीम है यहाँ पर, ये बल्लेबाजी अच्छी कर रही है यहाँ पर भारतीय टीम। विराट कोहली 17 बॉल 32 पर खेल रहे हैं दोस्तों, किंग कोहली इस बार स्टैंप आउट करके मारा है, ऊंचा शॉट मारा है इस बार लेग साइड को सुना यहाँ पर, ओवर कवर दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मिड ओवर कवर के ऊपर से खेला गया बेहतरीन छक्का, विराट कोहली ने हैट्रिक लगा दिया पर सिल्वा को ओवर दिया गया, लेकिन ये टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन दोस्तों। इस दिशा में विराट कोहली अक्सर शॉट नहीं खेलते, लेकिन आज ये बॉल साइड पाई तो उठाकर खेला और 6 रन जड़ दिया पर किंग कोहली के बल्ले से दोस्तों। 9 बॉल 26 रन की दरकार है, भारतीय टीम मुकाबले में आ चुकी है। ठेक सना
थोड़े से यहाँ पर घबराते हुए क्योंकि विराट कोहली बहुत मारे दोस्तों इस बार, एक रन की मांग श्रेयस अय्यर को स्ट्राइक जरूर दे दी गई यहाँ पर। क्या मुकाबले को श्रेयस अय्यर जीता पाएंगे दोस्तों? 8 बॉल 25 रन की दरकार मुकाबले में जीतने के लिए दोस्तों, क्या यहाँ पर जीता पाएंगे? नहीं, टेक सना 19 रन दे चुके हैं दोस्तों श्रेयस अय्यर आमने सामने इस बार। श्रेयस अय्यर स्टैंप आउट किया, एक रन की मांग दोस्तों। विराट कोहली रन के लिए भागे और रन कम्प्लीट किया वहाँ पर आसानी से, फिर से स्ट्राइक विराट कोहली अपने पास रखेंगे। ओवर से 20 रन आ चुके हैं दोस्तों, 7 बॉल पर 24 रन की दरकार है अब ये, और विराट कोहली 39 पर खेल रहे हैं। अगली बॉल दोस्तों विराट कोहली लेग में उठाया है दोस्तों, टाइमिंग अच्छी है, पीछे फील्डर 1 बाउंस 4 रन जड़ दिया पर किंग कोहली ने दोस्तों, क्या शॉट मारा है। अब एक ओवर में 20 रन की दरकार है श्रेयस अय्यर सामने दोस्तों। नुवान तुसारा ओवर लेकर आए यहाँ पर, ये बेहतरीन बॉलर है इनकी, इनकी अगर बॉल लगी दोस्तों तो आपको एडमिट कराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन बॉलर है इस बार। छोटी बॉल श्रेयस अय्यर को, पहली बॉल श्रेयस अय्यर ने एक रन के लिए शॉट खेला, एक रन आसानी कम्प्लीट किया। क्या 5 बॉल पर भारतीय टीम 19 रन बना पाएगी दोस्तों? कमेंट जरूर करें यहाँ पर, कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूले। भारतीय टीम खतरे में जरूर है यहाँ पर आज इस मुकाबले को, क्या भारतीय टीम अपने नाम कर पाएगी? 20 बॉल 43 रन की दरकार है। तुसारा विराट कोहली आमने सामने दोस्तों यहाँ पर, विराट कोहली स्टैंप आउटर के सामने खेला है, यॉर्कर मारने की कोशिश करते दोस्तों, तो ये टाइमिंग के साथ छक्का जड़ा है विराट कोहली ने। किंग कोहली आज ये सिर लगा के खिलाफ खड़े हैं दोस्तों, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। यॉर्कर मारी, देखो देखो दोस्तों, बिल्कुल यॉर्कर मारी, लेकिन विराट कोहली का बैट पर आई बीच बल्ले पे और बिल्कुल यहाँ पर बाउंड्री के बाहर, बड़ा छक्का, फ्लैट छक्का दोस्तों। तो सारा यहाँ पर बेहतरीन बॉलिंग करते हुए, 4 बॉल 13 रन की दरकार है। विराट कोहली का शतक कंप्लीट होने वाला है दोस्तों। एक और स्टैंप आउट किया, इस बार बल्ले अच्छी आई नहीं, और ये विराट कोहली की विकेट तुसारा के नाम दोस्तों। 49 पर यहाँ पर किंग कोहली को फंसाया तुसारा ने, जैसे ही सुमन गिल को फंसाया था उसी तरह यहाँ पर विराट कोहली को भी चटकाया तुसारा ने दोस्तों। ये बिल्कुल इतनी खतरनाक यॉर्कर चलाते हैं कि इनकी यॉर्कर ठिकाने पर पड़ चुकी थी दोस्तों, इस वजह से बड़ा शॉट नहीं मार पाए वहाँ पर विराट कोहली, और विकेट दे बैठे बेहतरीन बल्लेबाजी कर कर गए आज 22 बॉल पर 49 रन दोस्तों। खेल राहुल प्लेट छक्का, ऊंचा शॉट 6 रन के लिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी, क्या फॉर्म में यहाँ पर दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हो यहाँ पर, क्या 2 बॉल पर 7 रन बना पाएंगे दोस्तों? युवक बल्लेबाज इस बार यॉर्कर मांगे, फुल टॉस खेला श्रेयस अय्यर के बीच बल्ले पाए दोस्तों, सामने उठाकर 6 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी दोस्तों आज, बिल्कुल भी नहीं घबराते हुए श्रेयस अय्यर। आज विराट कोहली का भी साथ दिया था, लेकिन ये तुसारा की यॉर्कर थी दोस्तों, यॉर्कर को फुल टॉस बनाकर इतना तेज शॉट मारा है बिल्कुल सामने दोस्तों। अब 1 बॉल पर 1 रन की दरकार, क्या भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी? कमेंट में जरूर बताएं, लाइक नहीं करता लाइक जरूर करें यहाँ पर, सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें दोस्तों। 1 बॉल 1 रन की दरकार है, 2 छक्के 3 छक्के लगे दोस्तों। ये अगली बॉल यहाँ पर, छोटी बॉल श्रेयस अय्यर उठा कर खेला है, ये दूर ही नहीं गया दोस्तों, ये दूर नहीं है, दूर नहीं है, और ये कैच है, और ये बड़ी सफलता, टाई हो चुका है मैच दोस्तों। 6 रन की क्या जरूरत थी यहाँ पर श्रेयस अय्यर को मारने की दोस्तों। भारतीय टीम का बड़ा विकेट और श्रेयस अय्यर 44 पर आउट दोस्तों, टाई हो चुका है ये महामुकाबला। अब यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ओपनिंग के लिए आए दोस्तों, मधुशंका ओवर लेकर आए यशस्वी जायसवाल, मधुशंका दोस्तों आमने सामने, ये बेहतरीन बॉलर है, गति नहीं देते दोस्तों इस बार। इस बार यशस्वी जायसवाल फुल टॉस लेग में खेला है दोस्तों, टाइमिंग अच्छी है, 1 रन की मांग है, 2 रन के लिए बिल्कुल नहीं भागे दोस्तों। रोहित शर्मा खेलेंगे 5 की 5 बॉल, ये सुपर ओवर किसके नाम होने वाला है दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं। लाइक नहीं कर तो लाइक करें, सब्सक्राइब है सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताइए क्या इस मुकाबले को रोहित शर्मा जीता पाएंगे दोस्तों, क्या बड़ा शॉट मार पाएंगे रोहित शर्मा।
पर कोई रन नहीं मिलेगा। रोहित शर्मा मधुसंघ का दोस्तों इस बार अगली बॉल रोहित शर्मा लेग में उठाया है लेकिन इतनी अच्छी बल्ले पाई नहीं दोस्तों, एक रन की मांग है, रन कंप्लीट किया, दो बॉल पर दो रन दिए तो मास्टर दोस्तों मधुसंघ ने। ये भारतीय टीम पर बहुत बड़ा खतरा है यशस्वी जायसवाल, सामने जरूर यहाँ पर मधुशंका के दोस्तों इस बार यशस्वी जायसवाल फुल टॉस चाली है उठाकर खेला है सामने सिरेश अय्यर ने, इसमें गति है दोस्तों, ये यशस्वी जायसवाल के बल्ले साथ हुआ छक्का, ये पहला छक्का ओवर का दोस्तों, सुपर ओवर का पहला शॉट 6 रन के लिए, क्या टाइमिंग है क्या टाइमिंग है, बीच बल्ले पाई दोस्तों इतनी अच्छी आई नहीं थी लेकिन फिर भी 6 रन जड़ दिया पर यशस्वी जायसवाल दोस्तों, क्या बल्लेबाजी है बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी दोस्तों, 8 रन बना दिया हमें भारतीय टीम ने दोस्त, इस बार अगली बॉल यशस्वी जायसवाल छोटी बॉल इस बार तो बिल्कुल सामने मारा है, छोटी बॉल को ऐसा शॉट यहां पर यशस्वी खेलने के दिखाया दोस्तों, ये बिल्कुल ऑप्शन के बाहर रखना चाहते लेकिन यशस्वी ने कहा आप इसको ग्राउंड के बाहर उठाकर लेकर आइए दोस्तों, खड़े खड़े गति पर आप 6 रन के लिए, क्या बल्लेबाजी दोस्तों, 4 बॉल भारतीय टीम को बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए आज मुकाबले में दोस्तों, इस बार अगली बॉल एक और उठाकर खेला है फील्डर ने, इस दिशा में 1 बाउंस 2 बाउंस 4 रन, जी हाँ दोस्तों 3 बॉल पर 3 बाउंड्री दर्ज है यशस्वी जायसवाल ने, दिमाग का भी इस्तेमाल किया यहाँ पर फील्डर को ऊपर से खेलने की कोशिश और 4 रन पूरे प्राप्त किए यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने, लास्ट बॉल है दोस्तों ओवर की, क्या यशस्वी जायसवाल इस बॉल पर 6 रन मार पाएंगे, क्या लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए, इस बार यशस्वी जायसवाल स्टेप आउट किया है लेग में उठाया है नीचे फील्डर एक रन की मांग है, रन कम्प्लीट किया यहाँ पर 19 रन की जीत है दोस्तों, 19 रन पे जीत है, एक ओवर 19 रन ठोक दिए भारतीय टीम ने और ओवर लेकर आएंगे भारतीय टीम पे युवक बल्लेबाज दोस्तों, क्या यहाँ पर बेहतरीन बॉलिंग के साथ उतरेगी भारतीय टीम दोस्तों, मोहम्मद सिराज सिराज को ओवर दिया है सुपर ओवर आज सिराज पर भरोसा जगाया है दोस्तों, सुरेश सिराज मोहम्मद सिराज पहली बॉल डाल रहे हैं यहाँ पर यूर कर डाली है लेकिन ये पहली बॉल कोई हवा में खेला है दोस्तों, गैप में है लेकिन मीडियम फील्डर है फिर भी 4 रन जड़ दिए दोस्तों पहली बॉल पर सिराज पर शॉट अच्छा मारा यूर कर की थी वहां पर सुरेश अय्यर ने लेकिन लेग में शॉट खेल लगा दोस्तों 4 रन के लिए, सुरेश अय्यर पर दबाओ सिराज पर दबाओ दोस्तों, अगली बॉल एक और यॉर्कर की मांग है एक और हवा में शॉट एक और चौका दोस्तों, भारतीय टीम में 2 ओवर पर 8 रन दे दिया है, क्या दबाव है दोस्तों मोहम्मद सिराज पर क्योंकि बेहतरीन बॉल बल्लेबाजी करते हुए इस बार क्या टाइमिंग के साथ खेल रहे हैं पर दोस्तों, एक मिल जाएगा क्या मुकाबले को यहाँ पर भारतीय टीम अपने नाम कर पाएगी, इस बार एक और योर कर बिल्कुल अच्छा शॉट है लेकिन एक रन के लिए भागने का चाहे दे रहा अच्छी डॉट वहाँ पर दोस्तों, योर कर यहाँ पर अच्छी मारी मोहम्मद सिराज ने रन नहीं दिया दोस्तों, क्या मुकाबले को भारतीय टीम अपने नाम कर पाएगी दोस्तों, इस बार अगली बॉल बिल्कुल फुल टॉस डाल दी यहाँ पर लेकिन फिर भी रन नहीं दिया वहाँ पर, 2 बॉल पर 2 छक्के चाहिए यहाँ पर जीतने के लिए श्रीलंका को दोस्तों, अच्छा कमबैक किया पर मोहम्मद सिराज ने, अगली बॉल दोस्तों एक और मोहम्मद सिराज बिल्कुल ठिकाने पर डाला है लेकिन ये हवा में उड़ी थी थोड़ी देर के लिए और नीचे फील्डर मौजूद नहीं थे दोस्तों, बाल बाल बचे बल्लेबाज, ओ ये फ्री के 5 रन जड़ दिए दोस्तों, फ्री के 5 रन बिना बात के 5 रन जड़ दिए दोस्तों, एक बॉल 7 रन दरकार सिराज दोस्तों, क्या यहाँ पर टाई फिर से होगा, ये शॉट अच्छा है लेकिन ये बॉल अच्छी आई नहीं दोस्तों बल्ले पे, भारतीय टीम इस मुकाबले को 6 रन से जीत लिया दोस्तों, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, भारतीय टीम ने सुपर ओवर को विन किया यहाँ पर, सब्सक्राइब भी करें भारतीय टीम है इस टीम का नाम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, बाय बाय।